Hey guys, this is Manas and you're watching the Transformation Factory. Guys, ये exposing myself की third video है. इससे पहले दो videos आ चुकी हैं. हम इस series में कर क्या रहे हैं कि हमारी पुरानी videos को उठाकर उनमें जो भी कुछ हमने गलत statements दिया हो, कुछ गलत information दिया हो, उसको उठाकर हम correct कर रहे हैं. तो आज भी ऐसे ही मैं अपने कुछ statements को अपने पुराने videos से उठाऊंगा और बहुत ही silly mistakes करी थी मैंने और उसको मैं आपको आज सही करके बताऊंगा. तो गाइज शुरू करते हैं आज की वीडियो को. लेकिन गाइज अगर आप हमारे चैनल पे एक न्यू व्यूअर हैं, आप हमारे किसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो गाइज मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर रहे हैं और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो गाइज सबसे पहले एक वीडियो उठाते हैं जहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स को क्लियर करा था कि इन सप्लीमेंट्स का क्या काम है और इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो वहाँ पे देखते हैं मैंने BCAA के बारे में क्या बोला था. तो आपको BCAA कब लेना चाहिए, जब आप श्योर हो कि आप अपने दिन भर के डाइट में इनफ होल प्रोटीन, मतलब इनफ आप 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स ले रहे हो, उस केस में आप BCAA ले सकते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ 3 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं जो कि आपके मसल सिंथेसिस में काम करते हैं. मतलब क्या यार, मतलब क्या ही बोला है मैंने, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रखा है मैंने. एक तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है उसके बाद आपको BCAA लेना चाहिए, जो कि बहुत ही उल्टा स्टेटमेंट है. अगर आप अपने दिन भर में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं उसमें आपको इनफ BCAA मिल जाता है. BCAA कुछ नहीं होता है. अगर आप कोई भी प्रोटीन का सोर्स ले रहे हैं उसमें आपको एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलता है और उन एसेंशियल एमिनो एसिड्स में से 3 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको हम BCAA बोलते हैं. तो आपको इन 3 एसेंशियल एमिनो एसिड्स को जो कि BCAA है, इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है अगर आप टोटल सारे एमिनो एसिड दिन भर ले रहे हैं और अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं. तो क्या अगर हम अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे उस केस में हमें BCAA लेने की ज़रूरत है? तो गाइज ऐसा नहीं है, उस केस में भी आपको BCAA लेने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बोला है, काफ़ी बार ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि BCAA का एज सच कोई फंक्शन नहीं है. आपकी बॉडी को मसल बनाने के लिए सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है. हाउएवर ये जो 3 आपके एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जिनको हम BCAA बोलते हैं, ये आपके उस प्रोसेस को यानी मसल प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को शुरू करते हैं. तो भाई अगर शुरू कर दिया, बाकी ये चीज़ें भी तो होनी चाहिए आपको मसल बनाने के लिए. इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि BCAA लेने से आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन तक भी हो सकता है. वे प्रोटीन में भी आपके BCAA इंक्लूडेड होते हैं. मैं आपको एक न्यूट्रिशन लेबल दिखा रहा हूँ एक वे कॉन्सेंट्रेट का. अब इसमें देखिए, इसमें मेंशनड है ल्यूसीन, आइसोलीसीन एंड वेलिन. इसमें ये तीनों चीज़ हैं और यही चीज़ें अलग से BCAA में मिलती है और यही 3 चीज़ जो है इन्हीं को ही बोलते हैं BCAA. तो आपको अलग से BCAA लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अगर अपना वे प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे कॉन्सेंट्रेट हो चाहे आइसोलेट हो, उन्हीं में ही आपको सफिशियंट BCAA मिल रहा है. अब यहाँ पे मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं उसमें से आपको BCAA मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं क्यों ऐसे मैंने बेवकूफ़ वाला सिली स्टेटमेंट रख दिया. खैर आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं मैंने नेक्स्ट क्या बोला है. मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई सप्लीमेंट लूँ जो थोड़ा एफोर्डेबल हो और एक अच्छा इफेक्ट दिखाए मेरे फिजिक पे या फिर मेरे वर्कआउट पे, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहे. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, मसल ब्लेज का रॉ प्रोटीन, रॉ वे प्रोटीन. गाइज यहाँ पे मैं मसल ब्लेज का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का रिव्यू कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं उस टाइम नया जब यूट्यूब पे आया था तो मैं देख रहा था कि यूट्यूब में लोग ऐसा क्या डालते हैं, क्या चीज़ लोग देखना पसंद कर रहे हैं. तो मैं बेसिकली उस टाइम डिस्कवर कर रहा था, तो मैंने देखा यार कि लोग वे प्रोटीन का रिव्यू करते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कभी कभार वो स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, यानी उन्हें पैसा मिला होता है उस वे प्रोटीन को रिव्यू करने के. बट मुझे लगा वो अपना जो ले रहे होते हैं उसी को ही बता रहे होते हैं. तो मैंने भी वही किया, मैं अपना मसल ब्लेज का उस टाइम ले रहा था, तो मैंने भी उसका कर दिया. और जैसे मैं दूसरों को सुनता था कि भाई मुझे ये वे प्रोटीन अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मैंने भी ऐसे बोल दिया कि मेरा ये वे प्रोटीन मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है. लेकिन द क्वेश्चन इज कि अब वे प्रोटीन जो आपका सप्लीमेंट होता है उसमें से आप कितना प्रोटीन लेते हो, मैक्स टू मैक्स 25-27 ग्राम मैक्स टू मैक्स. तो हाउ कैन दिस 25-27 ग्राम डिसाइड कि आपका जितना भी रिजल्ट आया है वो सिर्फ इन 25-27 ग्राम के वजह से आया है, वेरेज आपका दिन भर का जो डाइट आप ले रहे हो वो सारा वेस्ट था. सो हाँ, वे प्रोटीन से आपको रिजल्ट आता है, बट ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वे प्रोटीन को ले रहे हो तो उसी के वजह से रिजल्ट आ रहा है. अभी रिजल्ट कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे चाहिए और आप अपने डाइट से लेट्स से 80 ग्राम ले पा रहे हो और आप 20 ग्राम किसी रीजन से पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप अपना वे प्रोटीन सप्लीमेंट
सप्लीमेंटेशन करते हो, आप इस 20 ग्राम की जो कमी है उसको आप पूरा करते हो, तो इस वजह से, क्योंकि आप अपने प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट बेटर आ पाता है। आप किसी भी फॉर्म में, चाहे आप डाइट के फॉर्म में, नेचुरल डाइट के फॉर्म में ही आपने अगर अपनी उस 20 ग्राम प्रोटीन की कमी को आप पूरा कर रहे होते, आपको तब भी रिजल्ट मिलता। अब गाइस बढ़ते हैं आगे। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक और टॉपिक कवर किया था कि भाई आपको अपने समर टाइम में कितने एग्स लेने चाहिए। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे एक पॉपुलर यूट्यूबर को देख के आया था, उन्होंने भी सिमिलर टॉपिक को कवर किया था, तो मुझे लगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे भी कवर करना चाहिए। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने जैसे जैसे बोला मैंने वो समझा और मैंने वही चीज आके चेप दिया। बट अब मैं जब इसको देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बोला। तो मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक वीक में 2 से 6 होल एग्स खा सकते हैं, मींस विद द योक्स, योक्स के साथ आप 2 से 6 अंडे पूरे के पूरे खा सकते हैं। अब अगर मैं दिन की बात करूं तो आप मैक्स, एट मैक्स आप 2 होल एग्स खा सकते हैं। तो ये 2 से 6 एग्स, यार ये लिमिट कहाँ से मिला? मैंने भी कहीं से पढ़ा नहीं, मैंने उस वीडियो से सुना, मैंने भी चेप दिया। तो यार ये कोई लिमिट कहीं पे होता नहीं कि भाई 2 से 6 एग्स आपको लेना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी अगर लिमिट है भी, तो वो हर पॉपुलेशन पे, हर टाइप के इंसान पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। एंड ये लिमिट है या नहीं है इसका भी मुझे नहीं पता है। फिलहाल मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। उस वीडियो में मैंने यह कहा था कि आपको एग से कोलेस्ट्रॉल मिलता है, तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, डाइट्री कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। उससे आपके बॉडी में जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सकता है, एंड आपको काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा मेजर इशू जो है वो आपका हार्ट प्रॉब्लम से। हाउएवर स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है, काफ़ी बार प्रूव हो चुका है कि आपका जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल है उससे आपका जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, उस पर कोई फ़र्क नहीं आता है। आपकी बॉडी इनफ स्मार्ट है कि भाई अगर आप बाहर से डाइट्री कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो, बॉडी अपना खुद का कोलेस्ट्रॉल जो सिक्रीट करती है उसको कम कर देती है। जस्ट बॉडी अपना खुद का कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो जब भी आप बाहर से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेंगे, आपकी बॉडी खुद का जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन है उसको कम कर देती है। एंड बाहर से आप कम कोलेस्ट्रॉल लेंगे, आपकी बॉडी थोड़ा सा और ज़्यादा बनाने लग जाएगी। एंड जबकि ये स्टेटमेंट मैंने खुद भी बोला था। अगर आप डरते हैं कि भाई मुझे कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ नहीं खानी, मुझे ये वाली चीज़ नहीं खानी जिसमें से कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी ही कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है। अब जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो हमारी बॉडी अपना जो खुद का कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। फिर भी पता नहीं मैं इतना सिली स्टेटमेंट क्यों दे रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई डाइट्री कोलेस्ट्रॉल से आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे कोई फर्क नहीं आता है, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने एग्स खाना चाहिए कितने एग्स नहीं खाना चाहिए, आप जी भर के जितने एग्स खाना है खाओ। लेकिन ये एक सिली बात क्यों करते हैं लोग कि भाई कितने एग्स खा सकते हैं? क्यों भाई कितने एग्स, क्या आपने कोई कंपटीशन लगा रखा है कि कितने एग्स खाने हैं? भाई आपको अपने प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आपको डिफरेंट फूड सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि भाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एग्स खाए जा रहे हो। आपको अपने किसी भी डाइट की रिक्वायरमेंट, किसी भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कभी भी आप किसी एक फूड आइटम पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ चावल खाते हो, आप बिस्किट्स नहीं लेते हो, आप रोटी नहीं लेते हो? इवन आप सोयाबीन का भी, जो लोग पूछते हैं कि भाई कितना सोयाबीन दे सकते हैं, भाई आप सोयाबीन ही थोड़ी खाते रहोगे। आपको अगर नॉर्मल अपने रेगुलर डाइट में जितना लेते हो उतना, हर मील में थोड़ा ले लिया या फिर 2-3 दिन में एक ले लिया, मतलब जैसे आप नॉर्मल बाकी खाने को खाते हो वैसे ही खाओगे, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आपको अपर लिमिट हमेशा क्यों जानना है? आपको कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी करना है कि भाई मुझे सारा प्रोटीन अपना इसी से ही लेना है, खा के देखता हूँ कि कितना खा सकता हूँ। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, एस एच डाइट्री कोलेस्ट्रॉल से आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता है। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होता है, आपको आपका डॉक्टर बताएगा कि क्या आपको अपने डाइट्री कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जरूरत है या नहीं है। लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नॉर्मली जितना आप खाने से लेना चाहोगे उतना लो, कोई कॉम्पिटिशन वाली बात नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे। इस पे काफी स्टडीज है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैंने स्टडीज को डाला हुआ है, आप अच्छे से पढ़ें एंड फिर मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की सारी वीडियो, आज का सारा करेक्शन। होप आपको वीडियो समझ आई एंड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। सो गाइस विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।